बिहार के गया में राष्ट्रीय अंतर दल का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार के महासचिव से मीडिया प्रभारी मगध प्रमंडल के बनाने पर नैयर अहमद ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राष्ट्रीय अंतर दल का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार का मुझे प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी मगध प्रमंडल का बनाया गया है। उन्होंने इसके लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष खालिद और तेजस्वी यादव का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। नैयर ने कहा कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और यह जिम्मेदारी को वो ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए और बिहार का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को बनाने के लिए पार्टी के लिए ईमानदारी पूर्वक वो काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी बनाया गया, जिसके लिए मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद साहब का भी शुक्रगुजार हूं और हमारे जगदानंद सिंह जी का और हमारे साथ हमारे बड़े सर बैठे हुए हैं याद बिंदु जी, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को पूरे मगध में मजबूती के साथ काम करने का निर्णय लिया है और 2020 में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना तय। और हम लोग जितने भी मगध के जो लोग हैं आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग बहुत मेहनत से काम करेंगे और मगध को मजबूत बनाने का काम करेंगे और अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही रहेंगे 2020 के। तो चिंता की बात है कि हमारे पुराने क्षेत्र के निवासी अबगिल्ला निवासी इंजीनियर नायर को बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव बनाया गया है और उसके साथ ही साथ ऐसे पढ़े लिखे नौजवान साथी को जो मगध प्रमंडल के मीडिया प्रभारी भी बनाया गया है, काफ़ी खुशी है। और हम जानते हैं जी कम दिनों के अंदर में ही ये जितना सक्रियता के साथ लोगों से संपर्क करना, पार्टी को मजबूती के रास्ते पर ले जाना, ये जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और इनको पूरा का पूरा मगध प्रमंडल में खास करके गया जिला जहाँ के मूलवासी हैं ये, हम लोग इनको पूरा का पूरा मदद कर रहे हैं। अभी लगातार 27, 28, 29, 30 तक लगातार कार्यक्रम है, इनको जिले के विभिन्न क्षेत्रों में घुमाएंगे और ये लगातार लोगों से जुड़ने जा रहे हैं। नए सिरे से गया जिला अल्पसंख्यक राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेवारी इनके कंधों पर है कि जो जो अपेक्षित भी रहा है या जो सक्रिय है काफ़ी, ऐसे लोगों को जोड़े जो मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी और ऐसे भी सामाजिक तौर से उसकी पहचान हो, ऐसे लोगों को इन्होंने क्लास करना शुरू कर दिया है। जदयू से टूट